चंडीगढ़ में एक लवारिस अटैची मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद चंडीगढ़ सेक्टर 22 में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। इसकी जानकारी फोरेंसिक टीम और बम डिस्पोजल टीम को भी दी गई। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम, थाना पुलिस क्राइम ब्रांच, ऑपरेशन सेल और बम डिस्पोजल टीम ने लवारिस अटैची का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जब उसे खोलकर देखा तो उसमें बम जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, केवल उस अटैची में कपड़े और जरूरी सामान था। बम डिस्पोजल टीम के इंचार्ज ने उस अटैची को थाना पुलिस के हवाले कर दिया और थाना पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। वहीं जब इस संदर्भ में बम डिस्पोजल टीम के इंचार्ज एसआई वजीर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक लवारिस वस्तु सेक्टर 22 के एससीओ नंबर 1010 में मिली है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने जांच की और अटैची को खोलकर देखा तो उसमें केवल जरूरी सामान और कपड़े पड़े थे। उधर अटैची की सूचना मिलने से सेक्टर 22 की मार्केट में हड़कंप मच गया। इस सूचना के बाद पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए थे, लेकिन बम डिस्पोजल टीम के खुलासे के बाद मार्केट के लोगों और पुलिस ने राहत की सांस ली। 10 पे नंबर 10 पे कोई प्लेट जी टाइम, लेकिन चेक करने के बाद इसमें कपड़े मिले और बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है भाई, कोई ऑटोमेटिक कोई नुकसान करने वाली चीज, खाली कपड़े मिले। क्या सूचना मिली थी? कोई एम्प्लेंट चीज पड़ी है, क्या चेक करने के बाद क्या पता? चेक करने के बाद ये पता लगा है कि अंदर कपड़े पड़े हैं खाली पहनने वाले और कोई ऐसी नुकसान के था। क्या नाम है और कौन से दस्ते से आए थे आप? कौन से दस्ते से आए थे आप? बम निरोधक से हैं, कहाँ से? ठीक, इंडिया। नाम क्या नाम है जी? एसआई वजीर सिंह। ठीक। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।